नरेंद्र भाटी तेजी से न सिर्फ युवाओं में लोकप्रिय हुए हैं, बल्कि इसके साथ ही वो राजपूत समाज के अंदर भी लोकप्रिय हुए हैं। और इसके पीछे की वजह ये भी है कि वर्तमान में राजस्थान में कोई ऐसा राजपूत नेता नहीं है तो अपने दम पर हजारों की भीड़ को इकट्ठा कर सके और राजपूत हितों के लिए अपनी ही पार्टी से टकरा सके। वर्तमान में तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो दिग्गज राजपूत नेता हैं, उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा सियासी तौर पर मजबूत नहीं है, राजेंद्र राठौड़ खुद को कमजोर मान रहे हैं, गजेंद्र शेखावत हार जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। वहीं अगर बात की जाए बाकी राजपूत नेताओं की तो उनको पार्टियों में बहुत ज्यादा ताकत दी ही नहीं गई है। कई नेता ऐसे हैं जो कद्दावर हुआ करते थे लेकिन उनको पार्टी में ही राजनीति का शिकार बना दिया गया। ऐसे में वर्तमान में राजपूत समाज को भी रविंद्र सिंह भाटी से उम्मीद है, वहीं रविंद्र भाटी को भी इसका आभास है। तभी तो देवी सिंह भाटी से वो मिलने जाते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, मानवेंद्र सिंह जसोल से वो मिलते हैं और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, है कि रविंद्र भाटी सिर्फ राजपूत नेताओं को ही मुबारकबाद दे रहे हैं, वो हर दिन उन महान विभूतियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने मां भारत की सेवा की और बाकी जो उच्च पदों पर हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन राजपूत समाज में रविंद्र भाटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो मानकर चलिए राजपूत समाज के नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर है, क्योंकि वो राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष करते हैं, वो राजस्थान के लिए संघर्ष करते हैं, युवाओं की ताकत उनके पास है और जीतने का मंत्र भी उनके पास है। ऐसे में हो सकता है कि जो राजपूत समाज एक नेता की कमी समाज में महसूस कर रहा है उसको रविंद्र भाटी पूरा कर दे, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी।